अब देखो आ, मैं मैंने तो कोई भी एक भी नहीं रीड किया कि क्या नेगेटिव क्या क्या बोला जा रहा है उसके बारे में बट uh, मुझे ऐसा लगता है कि मेन प्रॉब्लम अगर कुछ लोगों को होगी ना तो वो क्यों होनी चाहिए वो इसीलिए क्योंकि मूवी के अंदर औरतों को ऐसा दिखाया कि यहाँ शांत करा के साइड में भेज दिया ठीक है उसको लेके लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और मूवी उसके साथ मतलब बाद में उसको ठीक भी नहीं करती है कहीं पर तो वो एक ट्रीटमेंट को लेके ले है, है, मैं, तो मैं मैं तो डायरेक्टर सब सब कुछ अलग दिखाना चाहता है तो मैं, मैं वो देख रहा हूँ मैं वो सीख के मैं खुद वैसी जिंदगी में करने वाला हूँ क्या नहीं अब कुछ कैरेक्टर होते हैं जो लोग वैसा करते हैं अब तुम उनको दिखा रहे हो तो मैं बताए

हाँ नहीं तो भाई आपकी प्रॉमिस तो तो है फिडेलिटी और लेकिन उसका उसके कॉन्सिक्वेंस उसको आखिरी में भुगतने पड़ते हैं जब वो उसको छोड़ के चले जाती है राइट right? वो तो पूछती भी है तो सीढ़ी पे बैठा रहता चुपचाप वहां पे हाँ तो वो चीज उस चीज वो उसको ग्लोरीफाई नहीं करती है बिल्कुल अगर अगर वो गैस लाइट करना चाहता उसको मैनिपुलेट करना चाहता वहीं सीढ़ी पे ही कर लेता उसको जाने ना देता हाँ लेकिन

में okay. चला रहा 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 मैं 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 तुमको पता नहीं sound effect डाल बैठे-बैठे। हाँ, वही बोल रहा था कि मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे पर मेरे को वही लगा हाँ. कई सारे रिव्यूज ने मतलब बोला है जो भी उनको बोलना था बट आई विश अबाउट द मूवी की डायरेक्शन मूवी की सिनेमाटोग्राफी ठीक है rather than talking about the other things जैसे हम बाकी मूवीज को जज करते हैं आई विश दे हैड स्पोकन अबाउट इट एज वेल तो कोई बात नहीं साउंड डिजाइन कितना खतरनाक था क्या क्या बजा वही 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 भाई है? रश्मिका को ट्रोल किया जा रहा था इतना ज़्यादा भाई रश्मिका उसकी का कैरेक्टर कैसा लिखा है यार पिक्चर के अंदर मतलब इतना अच्छा क्योंकि बाप बेटे का तुम सोच के जा रहे हो बट बाप बेटे के बीच में सीन बहुत कम है उससे उसने हाँ। रश्मिका और रणबीर के बीच के सीन वो तो जब बेडरूम में झगड़ा करने वाला पीक मोमेंट था ना वो तो बच्चे सो रहे हैं कि मैं बच्चे सो नहीं रहे हैं, बच्चे जागे डर के मारे वो बेचारा उसी एंगल में इसका पीटीएसडी उनको अभी अभी छह साल बाद होगा भाई वो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ठीक है आप उसी एंगल में रहते हो कि घर वालों को लगे ना कि ये जागा है अगर मैं हिला अगर मैं हिला तो यहाँ मेरी मौत हो जाएगी तो, तो कि, और उसी के बीच में आपके हाथ तो दर्द करने लगते हैं यार मतलब आप बेड पे लेटे लेटे सेम एंगल पे <laughs> कि यार ये कब मुझे अपना कमरा देंगे घर वाले ठीक <laughs> है वो तो बेचारा शॉर्ट शॉटगन चला देता है फिर उससे सहा नहीं जाता कि अब क्या होगा मर गए क्या होगी पानी फट गए हमारे <laughs> मैं, care, बस वही वही कंट्रोवर्सी वाला मैं भी देख ही रहा हूँ कि मतलब क्या क्योंकि आप पर्सपेक्टिव लेना चाहते हो ना लोगों से क्योंकि भाई एज अ मेल

तैयार रहते हैं कि हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं मैं जाता हूँ मैं करता हूँ वो उसकी अल्फा मेल वाली मेंटालिटी उस पर सारी लागू हो रही थी और भाई इंसान होने के नाते जो लॉयल्टी वाली बंदिशें होती हैं आपको उनका सम्मान करना चाहिए जिसके लिए मैं उसे गलत बोलूँगा